hai hai có đẹp luôn hả? उधर 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 बैठो ओ यार जैसा कि आप सबको पता है कि सक्षम दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है इसी कड़ी को आगे उठाते हुए और जो कंबल बांटने की प्रतिक्रिया है इसको बढ़ाते हुए आज हमने कालीबाड़ी के मिडिल स्कूल में जो कैंप रखा है 70 से ज़्यादा दिव्यांग यहाँ पर आए हैं सर्दी के मौसम को देखते हुए और उनकी परेशानी और उनकी गरीबी को देखते हुए हमने जो कंबल बांटने का बीड़ा उठाया और ये हफ्ता 10 दिन तक जारी रहेगा हर पंचायत में नगरी में भी हम बांटेंगे कठुआ में भी बांटेंगे चानगरा कीड़े डाल हर जगह हम जाएंगे ये हर दिन की प्रतिक्रिया तो सक्षम जो है ये दिव्यांगों को क्या प्रॉब्लम है इनकी पेंशन बहुत कम है इनका पढ़ने का दिव्यांगों के बच्चे हैं जो उनके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलने की भी एक प्रतिक्रिया हमने अपने एजेंडे में रखी है और हम कोशिश कर रहे हैं हमने पिछले दिनों आपने देखा जब बहुत बड़ा एक महासम्मेलन हमने कठुआ में किया था माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे उनको हमने एक डिमांड ऑफ चार्ट एक मेंबर ने दिया था उसमें हमने ये लिखा था कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांगों के लिए और उनके परिवार के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए और ट्रेनिंग स्कूल में दिव्यांगों के बच्चे पढ़ें लिखें और हॉस्टल उनका खाने का और उनके रहने का प्रबंध किया जाए और जब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कंपनियां बाहर की आएंगी और उनकी काउंसलिंग करने के बाद उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए ये है दिव्यांग और दूसरा पेंशन का है पेंशन 1000 रुपया जैसे आपने देखा कि आज से 40 साल पहले जो विडो पेंशन 50 रुपये हुआ करती थी ओल्ड एज पेंशन 50 रुपये हुआ करती थी उस वक्त भी दिव्यांगों की पेंशन 100 रुपये हुआ करती थी तो उसके बाद दिव्यांगों की पेंशन 200 रुपया हुई और विडो जो ओल्ड एज 100 रुपया हुई उसके बाद 400 हुई 400 से डायरेक्ट सभी की 1000 कर दी हम चाहते हैं कि दिव्यांग जो हैं वो अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे किसी के भी नहीं रहेंगे जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे वो बेचारे कहाँ जाएंगे ठीक है नहीं हमने बीड़ा उठाया है हमारा एक सक्षम का जो डेलीगेशन है जो जम्मू का हमारी टीम है प्रांत की टीम है और हमारे माननीय उत्तर क्षेत्र के जो इंचार्ज स्वामी विश्वनाथ जी वो संघ के प्रचारक भी हैं उनकी अध्यक्षता में एक
शिष्टमंडल माननीय एलजी साहब को मिला था और हमने एक मेमोरेंडम दिया कि दिव्यांगों की पेंशन जो 3000 रुपया होनी चाहिए, 2000 तक उन्होंने एग्री भी किया था, बट हम चाहते हैं कि ये हम नहीं मानने थे, हमने बोला 3000 होनी चाहिए, 3000 हो जाए, 3000 पेंशन होने से एक इनकी रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है ना, ये अपना गुजारा कर सकते हैं, 1000 से कुछ नहीं बनता। यही जो कुछ ऐसे कदम हैं, तो पिछले दिनों हमने एक उधर खोला जो बोर्ड, डॉक्टरों का बोर्ड दिव्यांगों के, जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम आ रही है, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, तो इधर भी हम एक सीएमओ साहब को बोल के और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को बोल के और 4-5 पंचायतों में एक बोर्ड बैठाएंगे और उस बोर्ड में ही दिव्यांगों के जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट हैं वो इशू किए जाएंगे। ये हमने बीड़ा उठाया, सक्षम दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है और जब तक हम दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर नहीं बना सकते तब तक ये हमारी प्रतिक्रिया जारी रहेगी। मैं इतना ही कहता हुआ शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आज ये जो सक्षम विभाग की ओर से जो एक आपने देखा होगा बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ खरोट मोड़ में पिछले महीने, तो जब वो सम्मेलन हुआ था तो हमने एक प्रण लिया था और हमारे जो संगठन है सक्षम विभाग का जो संगठन है उसने हमारी ड्यूटी लगाई उन्होंने कि आपको चिन्हित करने हैं कि जिला में कितने दिव्यांग हैं। तो हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया है पूरे जिले का कि 8 से 8,500 जो हमारा विकलांग मातृशक्ति है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमने वो उनकी रजिस्ट्रेशन की है। तो अब हम वहाँ जो सम्मेलन था तब हम वहाँ कंबल बांध नहीं सके क्योंकि बहुत बड़ा सम्मेलन था, बहुत रश था, तो हमने सोचा कि अब सर्दियों में, तो एक तो मैं शुक्रिया करूँगा हमारे CTM जनाब टेक्सटाइल मिल कि उन्होंने उस वक्त उस सम्मेलन में वादा किया था कि हम दिव्यांगों को सक्षम विभाग की ओर से हम कमेटी बांटेंगे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ हमारे महामंत्री हैं सरदारी जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट नरदेव जी हैं, सोनू जी हैं, हमारे धर्मवीर जी हैं, हमारे जितने वाइस सरपंच साहब खड़े हैं, हमारे सिद्धांत जी हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कर्मियों का कि जो आप इस ठंड में आके यहाँ आए। तो हमारा यही लक्ष्य है कि ये जो हमारे गरीब दिव्यांग भाई बहन बच्चे बुजुर्ग जो भी है, हम इनको अपनी तरफ से, अपने विभाग की तरफ से कोई ना कोई लाभ इनको पहुंचाने की कोशिश की। इनका पेंशन का मसला है, जैसे 1000 रुपये पेंशन है तो हमने गुहार लगाई है और लगभग वो हो भी जाएगा कि हमने कहा कि एक दिव्यांग 1000 से कोई गुजारा नहीं कर सकता, तो उसकी कम से कम 3000 होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हमने पूरा जोर रखा है। इनके लिए कोई रिजर्वेशन का कोटा हो वो भी हमने सरकार को रिटर्न में दिया है। इनको और भी कोई जो भी इनकी कोई वो है लेग खराब आर्टिफिशियल आर्म्स है उसके लिए, कोई सुनने वाली मशीन है उसके लिए, ट्राईसाइकिल हैं, स्कूटीज हैं और व्हील चेयर्स हैं, उन सब के लिए हमने प्रयास करके इनके लिए सेवा करनी है। हमारे अत्री साहब भी आगे हैं, वो हमारे जिला के जहाँ प्रधान हैं सक्षम विभाग के, हम सब मिलके हमारा एक ही मिशन है कि हम जितनी भी भगवान हमें भी और इनको भी पूरा आशीर्वाद दें कि हम इनकी मदद के लिए जो कर पाएँ वो हम करें और पूरे दमखम से करें। हम सब समाज एकजुट होकर, ये हमारे भाई बहन हैं ये जो दिव्यांग, इनको हम इनके लिए कुछ ना कुछ कर सकें, ये हमारा मिशन है, ये हमारा सोच है और हम सब मिलके इनके लिए कुछ करें। मैं इतना ही कहूँगा कि कर रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में ओडियात्री साहब ने काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, सरदारी जी हैं हमारे साथ, धर्मवीर जी और पूरी टीम देवी जी हैं हमारी, जो इन्होंने कठुआ डिस्ट्रिक्ट की टीम बनाई है दिव्यांग के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इनके साथ काम करने का, कि अभी लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है तो उसमें ये कंबल वितरण कर रहे हैं और एक दिव्यांग को जैसे हम उनको एक आनर करते हैं, फूलमाला पहना के उनको उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए ओडियात्री साहब ने सब कुछ कह दिया, इनकी पेंशन के बारे में, इनका सब कुछ जो भी इनकी प्रॉब्लम और प्रायोरिटी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इनको हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी इनकी कोई प्रॉब्लम हो, सोशल वेलफेयर में हो, राशन के प्रति हो, फूड सप्लाई में हो, या कहीं भी DC ऑफिस में कहीं भी इनकी प्रॉब्लम हो तो इनको प्रायोरिटी दी जाए।
बस इतना कहते हो कि इनका फील जो है हम लोग फील कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जय हिंद जय भारत, थैंक यू। वो दिन रात अपने उन्होंने ये बीड़ा उठा रखा है कि जो दिव्यांग लोग हैं इनकी क्या क्या समस्या हैं, बहुत सारी समस्याएं। ये तो एक शुरुआत है, छोटी सी शुरुआत है। 11 तारीख से जब वो सम्मेलन बड़ा सम्मेलन हुआ था तब से हम दिन रात इनके इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, इनके घरों में भी जा रहे हैं। किसी की कोई बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बुक्स की प्रॉब्लम है, उनको बुक्स भी दे रहे हैं। कई लोगों की व्हील चेयर की प्रॉब्लम है, उनको व्हील चेयर के लिए भी हम सारी कोशिशें कर रहे हैं। अब उस टाइम जितेंद्र सिंह जी आए थे उनको भी बोला गया था कि बहुत सारे विकलांग जो लोग हैं वो मेहनत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, उनको लिए कोई स्कूटी की व्यवस्था की जाए। तो 150 स्कूटी के लिए उनको मनोरंजन दिया गया था। अब देखो उस पर कितना काम होता है, लेकिन हमारी टीम जो है वो दिन रात इस पर काम कर रही है और आगे करती जाएगी, दिन रात रुकेगी नहीं। 10-20 दिन ये लगातार प्रोग्राम कंबल वाला चलेगा। ये CTM चनाव टेस्ट है, हमें 400 कंबल दिया था और उनको बोला गया है कि हर साल विकलांगों के लिए 1000 कंबल हमें चाहिए, और हर साल के लिए उन्होंने कमिटमेंट भी करी हुई है। धन्यवाद, थैंक यू। आज हमारे यहाँ पे कालीबड़ी में जो सक्षम संगठन है जिसके हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष माननीय श्री ओडियत्री साहब जी हैं, और साथ में हमारे जो सक्षम विभाग के जो जितने भी संगठन के यहाँ पे हमारे पदाधिकारी हैं, उन्होंने सब ने मिलकर हमने यहाँ पे एक प्लान बनाया था कि हम यहाँ पे एक कैंप लगाएंगे। तो उसके तहत यहाँ पे हमारे जितने दिव्यांग भाई बहन थे उनको हमने यहाँ पे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में यहाँ पे कैंप लगवाया उनके लिए, ताकि इस कड़ाके की जो ठंड में पड़ रही है उनको किसी तरह का उनको फ़ायदा मिले, उनको ठंड से राहत मिले।